हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम डोरेमोन का थीम सॉन्ग बना सकते हैं मैटलैब एप्लीकेशन के अंदर। इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजें जान लेते हैं। पहला, बीपीएम टेम्पो क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का और मैंने टोटल कितने ट्रैक यूज करने इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो मैं बात करूँ टेम्पो की, तो इस सॉन्ग का जो टेम्पो है वो है 126, ठीक है। तो आप लोगों को भी अपने प्रोजेक्ट का जो टेम्पो है उसे 126 सेट कर लेना है। बाकी इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने टोटल 5 ट्रैक्स का इस्तेमाल किया है। अब ये एक रीमेक है, ये 100% ओरिजिनल जैसे तो साउंड नहीं करेगा, पर हमसे जितना हो पाया हमने उतना करने की कोशिश करी। हम आशा करते हैं ये रीमेक आपको पसंद आएगा। चलिए फटाफट एक एक करके सभी अपने ट्रैक्स को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या पैटर्न बन रखा है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रैंड पियानो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रखा है, जिसका नाम आपको टॉप पे भी देखने के लिए मिल रहा होगा। इंस्ट्रूमेंट के नाम के नीचे की जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये कॉर्ड शीट है उस इंस्ट्रूमेंट की, मतलब ये कॉर्ड शीट है ग्रैंड पियानो इंस्ट्रूमेंट की। आपको इस कॉर्ड शीट में जो भी पैटर्न दिख रहे हैं, जो भी नोट्स दिख रहे हैं, आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेने अपने ब्लैंक कॉर्ड शीट में ग्रैंड पियानो की, जिससे आपको भी वैसा साउंड कर सके जैसे मेरे फोन में कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको पैटर्न आराम आराम से दिखाने की, वरना आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो या वीडियो की स्पीड स्लो भी कर सकते हो। जितने भी नोट्स है मिलकर हमारी स्टार्टिंग की इंट्रो की मेलेडी बना रहे हैं, तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस हमारे लगभग इतने ही नोट थे और हमारा जो पैटर्न है ये एंड हो रहा है। करीबन आप ऊपर देख सकते हो 8.2 पे, रूलर पे 8.2 पे एंड हो रहा था और ये स्टार्ट हुआ था अपना 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और 8.2 पे एंड हुआ। अब इस पैटर्न का अरेंजमेंट भी देख लेते हैं मिक्स एडिटर विंडो में। तो मिक्स एडिटर विंडो में जो हमारा पैटर्न ये प्लेस हो रखा है करीबन 00 सेकंड पे, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप टाइमर पे ऊपर देख सकते हो 00 सेकंड पे प्लेस हो रखा है और ये जो पैटर्न है ये हमारा एंड हो रहा है करीबन 13 सेकंड 8 मिलीसेकंड पे। अब हम अपने अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट भी हमने ग्रैंड पियानो यूज़ करा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें भी आपको करना है वही है, आपको सिंपली ग्रैंड पियानो एक इंस्ट्रूमेंट ले लेना है, उसकी खाली कॉर्ड शीट में आपको नोट्स कॉपी कर लेने, आराम आराम से देख के आपको कुछ गलती नहीं करनी है, कुछ नोट छोड़ने नहीं है, वरना आपका ओरिजिनल जैसा है वैसा साउंड नहीं करेगा जैसा करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे हमारे सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा पैटर्न एंड हो रहा है करीबन 34 पे, आप ऊपर रूलर पे देख सकते हो। और जो हमारा ये पैटर्न था ये स्टार्ट हुआ था करीबन, देख लेता हूँ इधर से खिसका के, तो ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था मेरा 1 से। अब इसका अरेंजमेंट भी देख लेते हैं हम मिक्स एडिटर विंडो में।
मिक्स एडिटर विंडो में जो हमारा पैटर्न है ये प्लेस हो रखा है करीबन 0.0 सेकंड पे, आप ऊपर टाइमर पे देख सकते हो, और ये चल रहा है हमारा करीबन, देख लेते कहाँ तक चल रहा है ये पैटर्न अपना। तो ये पैटर्न एंड हो रहा है हमारा 1:02.08 पे, तो आपको भी टाइमर से मैच कर लेना है बिल्कुल। अब दो ट्रैक बनाने के बाद आपकी मिक्स एडिटर विंडो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। यहाँ पे ग्रैंड पियानो आपने दो इंस्ट्रूमेंट ले रखे होंगे कुछ इस तरीके से, पैटर्न दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे जाना है, और अब आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है। आप यहाँ पे सर्च के आइकन पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको, और एक इंस्ट्रूमेंट सर्च करके आपको ऐड करना है जो कि न्यू एज सिंथ पैड। तो न्यू एज लिख दीजिएगा आप, और आपको यहाँ पे सिंथ पैड ऑटोमेटिकली ऐसे दिख जाएगा। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट विंडो खुल जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट की। आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस के आइकन पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है, और बाहर आके आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा मिक्स एडिटर विंडो में। अब आपको सिंपली करना क्या है, ग्रैंड पियानो के इस पैटर्न को कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना है न्यू एज सिंथ के इस खाली ट्रैक में। तो ये इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा आपको। तो बस इतना ही करना था हमें, और तीन ट्रैक का जो हमारा काम था ये हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे ट्रैक की ओर। चौथे ट्रैक में मैंने 62P बेस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रखा है, जिससे मैंने अपना बेस बनाया है इस ट्रैक के लिए। तो इसके नोट्स भी आपको सिंपली कॉपी कर लेने देख के एकदम आराम से। तो बस यहाँ पे आगे जाके हमारा जो पैटर्न है ये एंड हो रहा है करीबन 9 पे, ऊपर आप रूलर पे देख सकते हो, और ये 1 से स्टार्ट हुआ था। अब इसका अरेंजमेंट भी हम फटाफट देख लेंगे मिक्स एडिटर विंडो में, ये मिक्स एडिटर विंडो में कहाँ पे प्लेस हो रखा है। तो मिक्स एडिटर विंडो पे ये एकदम स्टार्टिंग से लगा हुआ है 0.0 सेकंड्स पे, और ये चल रहा है आपका करीबन देख सकते हो आप 15.02 सेकंड तक, ठीक है। अब यहीं तक ही नहीं था केवल हमारा बेस का पैटर्न, 15.2 के बाद भी हमें बेस का पैटर्न कुछ बनाना है, तो क्या है वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो 15.2 सेकंड से जो आपको पैटर्न बनाना है वो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर, इसको भी आपको कॉपी कर लेना है सिंपली आराम आराम से देख के। रूलर के हिसाब से देख के 14 पे एंड हो रहा है। अब इसका मिक्स एडिटर में भी देख लेते हैं ये कहाँ पे लगा है, किस तरीके से लगा हुआ है। तो मिक्स एडिटर में जो हमारा पैटर्न अभी हमने क्रिएट करा था वो हमारा आगे यहीं पर ही कहीं था, तो वो पैटर्न हमारा लग रखा है यहाँ पे करीबन, देखो यहाँ पे लग रखा है 15.2 सेकंड से हमने स्टार्ट करा था, और ये एंड हो रहा है हमारे 24.7 सेकंड पे। पर बीच में आप देख सकते हो ये जॉइंट हो गया, ठीक है, जबकि हमने दो अलग अलग सेपरेट पैटर्न क्रिएट कर रखे थे, फर्स्ट वाला और फिर ये सेकंड वाला, पर ये यहाँ पे दोनों चिपक चुके हैं, तो इनको हमें स्लाइस करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्लाइस की फीचर की मदद से मैं इनको स्प्लिट कर देता हूँ दो अलग अलग पैटर्न्स में। अब इसके बाद आपको आगे करना ये है कि जो आपने ये जो सेकंड पैटर्न हमने जो इसको स्लाइस करा है फर्स्ट वाले से, इसका आपको लूप बना देना है, ठीक है। लूप किस तरीके से बनाएंगे आप वो भी देख लेते हैं हम एक बार। आपको इस पर क्लिक करना है, अभी कहाँ से बनाना है मैं दिखा देता हूँ आपको। 24.7 सेकंड पे एंड हो रहा है, लूप के बटन पे क्लिक करके केवल एक ही लूप बनानी है मेरे को इसकी, और उससे भी मेरे को छोटा करना है। कहाँ तक चलाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जितनी भी आपकी लूप बन जाए ना, आपको उसको छोटा करके आपको लेके आ जाना है 28.5 सेकंड तक, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और मैं इसको लेके आ गया करीबन 28.5 सेकंड तक लिया है। बस यहीं तक ही चलनी थी इसकी लूप, ठीक है। अब 28.5 सेकंड के बाद भी हमारा कुछ पैटर्न है, वो आखिरी पैटर्न होगा इस बेस के ट्रैक में, तो क्या है वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो 28.5 सेकंड के बाद जो आपको पैटर्न क्रिएट करना है बेस के उसी सेम ट्रैक में, वो कुछ इस तरीके से, आपको इसे सिंपली कॉपी कर लेना है आराम आराम से देख के, कोई भी नोट आपको मिस नहीं करना। आखिरी में हमारा फाइनली ये पैटर्न एंड हो रहा है रूलर के हिसाब से 34 पे।
अब हम मिक्स एडिटर विंडो में भी देख लेते हैं कि टोटली हमारा पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। तो मिक्स एडिटर विंडो के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न हमने अभी बनाया ये लगा था हमारा करीबन 28 सेकंड 5 मिली सेकंड पे, और ये एंड हो रहा है हमारा, ये आगे तक चल रहा है, ये एंड हो रहा है करीबन 1 मिनट 2 सेकंड 8 मिली सेकंड तक ये चल रहा था, ये एंड हो रहा है इतने सेकंड पे। और इसी के साथ हमारे चौथे ट्रैक का भी काम पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवे ट्रैक की ओर। तो इस लास्ट वाले ट्रैक में हमने आउट्रो की मेलोडी बना रखी है जो कि कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है आपको आपकी स्क्रीन पे। ग्रैंड पियानो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रखा है, लगभग सभी चीज हमने ग्रैंड पियानो से बनाई है, टोटली सारा ग्रैंड पियानो से बना है। इसमें पैटर्न बहुत ज्यादा था, ठीक है, लूप्स बहुत कम थी, मतलब लूप तो ना के बराबर ही थी इसमें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने नोट्स प्लेस करें या फिर जो भी नोट्स आप लगा रहे हो वो सही होने चाहिए, ठीक है, और सही जगह पे लगे हों। और रूलर के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न है ये वाला फिफ्थ वाला, ये हमारा एंड हो जा रहा है करीबन 9 पे, ठीक है। अब इसके मिक्स एडिटर में भी देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है ये वाला पैटर्न। तो मिक्स एडिटर विंडो के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न है ये स्टार्ट होना चाहिए करीबन 49 सेकंड 5 मिली सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए, और ये एंड होना चाहिए हमारा करीबन 1 मिनट 4 सेकंड 7 मिली सेकंड पे। अब यहाँ पे हमारे सारे ट्रैक का जितने भी पैटर्न, जितने भी ट्रैक्स हमें बनाए थे वो हमारे बन चुके हैं। अब हम वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स और एफएक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर एफएक्स की बात करूँ तो जो हमारी इंट्रो की मेलोडी थी जो हमने ग्रैंड पियानो में बनाई उस पर मैंने लगा रखा लार्ज स्टूडियो रिवर्ब, जो मेरा सेकंड 62p बेस इंस्ट्रूमेंट था इस पर मैंने शिकागो क्लासिक लगा रखा है। थर्ड ग्रैंड पियानो इंस्ट्रूमेंट पर मैंने लगा रखा लार्ज स्टूडियो रिवर्ब। फोर्थ ग्रैंड पियानो इंस्ट्रूमेंट पे लगा रखा है लार्ज स्टूडियो रिवर्ब। और मेरा जो फिफ्थ सिंथ पैड था इस पर भी मैंने लार्ज स्टूडियो रिवर्ब भी लगा रखा है। और इसके बाद आपको एक और ट्रैक देखने के लिए मिल रहा है इंपोर्टेड ट्रैक के नाम से। तो इसमें बेसिकली अकापेला है जो मैंने इंपोर्ट कर रखा है जिससे कि और अच्छा साउंड करे। तो आपको चिंता करने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस ट्रैक में मैंने क्या रख रखा है। अब हम बढ़ते हैं वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स की ओर। तो वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स कुछ इस तरीके से, इसमें मैंने पैनिंग भी कर रखी है थोड़ी बहुत, तो आप ये सेम टू सेम वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स पैनिंग कर लीजिएगा जिससे आपका भी वैसे साउंड करेगा जैसे मेरे फ़ोन में कर रहा है। और अब हम बढ़ते हैं फाइनल रिजल्ट की ओर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये रीमेक और ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बैंडलैब से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए या रीमेक्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि बैंडलैब से रिलेटेड वीडियोस हम चैनल पर लाते रहते हैं।